हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज का हमारा डिस्कस रहने वाला है, आज मैं डिस्कस करूंगा, मेरे पास में जो टॉपिक है वो है सर्वांग समता। उसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, आज मैं इस टॉपिक का डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं 10 क्लास ले चुका हूँ, ठीक है, और 10 क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैंने जितने भी DLED के, BTC के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको मैंने बताया है। अब हमारे पास में क्या है कि दो टॉपिक और बचे हुए हैं। एक तो मेरे पास में ये सर्वांग समता और समरूप वाला बचा हुआ है, जिसको मैं आज ही फिनिश कर दूंगा। इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा, दैट इज द स्टेटिक्स, जिसे मैं क्या बोलता हूं। तो मैं बात कर रहा था कि मेरे पास में एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो स्टेटिक्स है। स्टेटिक्स का मीनिंग क्या होता है कि एक तरीके से इसको मैं बोलता हूं सांख्यिकी। जो भी मेरे पास में अनग्रुप्ड डेटा होते हैं, मेरे पास में अवर्गीकृत जो मेरे पास में डेटा होता है, उस डेटा का मुझे क्या है कि एक फॉर्म में, एक फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, एक बारंबारता की फॉर्म में, कि कोई भी डेटा कितनी बार यहाँ मेरे पास में कलेक्ट हुआ है, मैं उसका डिस्कस और करूंगा। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक। ये मेरे पास में लास्ट टॉपिक बटेगा, ठीक है। अब क्या है कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है, क्लास नंबर 11 होने वाली है, और जो आज मैं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल भी तुम्हें विदाउट पेन तुम किसी भी क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हो। तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझना है। इस टॉपिक का नाम है मेरे पास में सर्वांग समता। इंग्लिश में मैं इसको कॉन्ग्रुएंस बोलता हूं। तो मैं इस चलता हूं आगे उसी कड़ी में जैसे मैंने लास्ट पीछे की 10 क्लास ले चुका हूं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उन्हें आप जाके बहुत अच्छी तरीके से पहले देखें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर दिस थिंग इज नॉट क्लियर फॉर मी। तो मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई टू क्लियर यू, ठीक है। तो मैं उस कोशिश करूंगा कि वो वाला कोई भी कॉन्सेप्ट है उसे मैं ट्राई कर सकूं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर जैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चंस या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि वो अभी सर ने पढ़ाया नहीं है, तो आप उसे हमें बताएं, तो हम उस टॉपिक को भी क्या है कवर करा देंगे, ठीक है। एक तो आपको ये वाली बात समझनी है। दूसरी बात क्या है कि अब इस टॉपिक के आ जाते हैं, ठीक है। ये तो सब एक्स्ट्रा मैटर था, अब बात करते हैं पॉइंट की। डेफिनेशन है इसकी, सर्वांग समता होता क्या है, बड़ा ध्यान से समझेंगे होता क्या है। देखो इस वर्ड को अगर मैंने ब्रेक किया तो ये ब्रेक करने पे मेरे पास में क्या बना, सर्वा। जो सर्वा लिखा हुआ है यहां से मैंने सर्व ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया सर्वांग, तो यहां से मैंने अंग ले लिया, और ये मेरे पास में क्या है समता मतलब समान। तो सर्व प्लस अंग प्लस समान, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसा मेरे पास में कोई भी आकृति उसके सभी अंग कैसे हों समान हों, उसे मैं क्या बोल दूंगा, उसे मैं सर्वांग समता बोल दूंगा, उसे मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल दूंगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में दिया हुआ है इसकी डेफिनेशन, ऐसी आकृति जिनके आकार समान हो, उनके आकार कैसे हो समान हो, और देखो क्या लिखा हुआ है तथा कोण समान माप के हो, जो एंगल होते हैं ये वाली है, एंगल एंगल कैसे हो समान माप के हो, और क्या लिखा हुआ है एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है। जब मैं इस वाली आकृति को इस वाली आकृति के ऊपर रखूंगा या इस वाली आकृति को मैं इस वाली आकृति के ऊपर मैं रखूंगा, तो ये आकृति एक दूसरी आकृति को पूरी तरीके से क्या कर लेगी, ढक लेगी। अगर ऐसा तुम्हें देखने को मिलता है तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, उसे मैं सर्वांग समता बोलता हूँ, इंग्लिश में उसे मैं कॉन्ग्रुएंट बोलता हूँ, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो सिलेबस के अंदर है वो दिया हुआ है त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम, मैं उन्हीं की बात करूंगा। लेकिन उसको बात करने से पहले पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपकी ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या बोला है कि ऐसी आकृति जिनके आकार समान हो और जिनके जो कोण हैं उनकी माप भी कैसी हो समान हो, उसे मैं क्या बोलता हूँ सर्वांग सम बोलता हूँ, सर्वांग समता का नियम बोलता हूँ। अब देखो मैंने एक उदाहरण लिया है, एक मेरे पास में ये ट्राइंगल है, इसको मैंने बोल दिया ट्राइंगल नंबर ए, और एक मेरे पास में ये ट्राइंगल है, इसको मैंने बोल दिया ट्राइंगल नंबर बी। दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या नजर आ रहा है, अगर मैं बात करूंगा ए बी, तो यहां मैंने लिखा ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है पी आर के, किसके इक्वल है ए बी पी आर के इक्वल है। ये वाली बात आप देखो ध्यान से, ए बी ये वाला ए बी किसके इक्वल है, इस पी आर के इक्वल है, ठीक है। ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी मेरे पास में क्या है 2 सेंटीमीटर है। और मेरे पास में अगर मैं बी सी की बात करूंगा तो बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। तो यहां मैं लिखूंगा कि बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूंगा ए सी, तो ए सी किसके इक्वल है पी क्यू के इक्वल है, तो ए सी किसके इक्वल है पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से मेरे क्या समझ में आया कि जो इनकी संगत जो भुजाएं हैं, जो इसकी साइड्स हैं, वो भी कैसी हैं सेम हैं।
अगर मैं देखो एंगल की बात करूंगा तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के। और अगर मैं एंगल सी की बात करूंगा तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं भी आती है कि अगर उनके कोण भी समान होंगे और उनकी साइड्स भी अगर समान होंगी, तो ऐसे फिगर को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलूंगा, ठीक है ना, एक सर्वांगसम फिगर बोलूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, जो इसका जो सिंबल होता है सर्वांगसमता का, इसका सिंबल होता है ये वाला, दो डंडे होते हैं इस तरीके से, इसके ऊपर ऐसे साइन होता है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, ये एक इसका सर्वांगसमता क्या है, एक सिंबल है, इसको मैं इस तरीके से शो करूंगा। तो अब यहां मैं कैसे लिखूंगा, ट्रायंगल इस तरीके से मैं लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है, किसके सर्वांगसम है, ट्रायंगल पी क्यू आर के, इस तरीके से लिख दूंगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के ये सर्वांगसम है, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। और देखो मैं यहाँ ये भी तुम्हें दिखा देता हूं कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल आर के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, यहां मैं पी कर दूंगा, ठीक है भाई। और मेरे पास में क्या बचा, एंगल सी। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। तो अगर ऐसा फिगर कहीं भी आपको देखने को मिलता है तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, सर्वांगसम फिगर बोलता हूँ, ठीक है ना, सर्वांगसम आकृति बोलूंगा। तो यही मैंने कंडीशन में लिखा हुआ है कि अब देखो, अगर मैंने बोला था कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक लेती है, इसका क्या मीनिंग हुआ, ढकने का मीनिंग है, यहां मेरे पास में पी आर है, ये पी आर, इस पी आर को मैंने क्या किया, यहां से कट किया, और कट करने के बाद में अगर मैं इस ए बी के ऊपर चढ़ा दूंगा इसके ऊपर, तो इसको ढक लेगी, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी माप भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी माप भी 2 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको यहां से काट के इसके ऊपर रखूंगा तो ये वाली लाइन ढक जाएगी। अगर मैं इस क्यू आर को काट के 4 सेंटीमीटर को बी सी के ऊपर रखूंगा तो ये वाली लाइन भी ढक जाएगी। और अगर मैं इस वाली लाइन को काट के पी क्यू को अगर मैं ए सी के ऊपर रखूंगा तो ये वाली लाइन भी ढक जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक लेती है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, उसे मैं सर्वांगसम का नियम बोलता हूँ, उसे मैं सर्वांगसमता बोलता हूँ, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आती है, ये डेफिनेशन है, पहले आपको ये समझनी है, तो इतना मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, कोण समान हो, उसकी भुजाएं समान हो। अब जो मेरा टॉपिक है कि अगर मेरे पास में कोई भी त्रिभुज है तो उसके सर्वांगसमता के कौन कौन से नियम होंगे, उन नियम को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्पल पूछे गए हैं उसको बताऊंगा, ठीक है। देखिए भाई, अब आगे क्या दिया हुआ है कि जो मेरे पास में, अभी तो मैंने सर्वांगसमता की डेफिनेशन बताई, अब इसी के कुछ मेरे पास में एप्लीकेशन है, इसी के कुछ मेरे पास में अनुप्रयोग है, उनकी बात हम करते हैं। उनमें सबसे पहले क्या बोला है कि जो मेरे पास में त्रिभुज के सर्वांगसमता के नियम वह शर्तें हैं। अगर मैं किसी ट्रायंगल की बात करूंगा तो ट्रायंगल के कौन कौन से नियम होते हैं, पहले ये मुझे पता होनी चाहिए जब मैं उसके कंडीशंस की बात करूंगा। तो मेरे पास में क्या है, ये 4 शर्त होती हैं। पहली शर्त होती है एस 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 शर्त, ठीक है। इसका मतलब क्या है, साइड साइड साइड, हिंदी में बोलेंगे भुजा भुजा भुजा, ठीक है। दूसरा मेरे पास में क्या है, साइड एंगल साइड, इसका मीनिंग क्या है, साइड मतलब भुजा, ए मतलब एंगल, एंगल का मीनिंग कोण, और फिर साइड का मतलब भुजा, एंगल साइड एंगल, इसका मीनिंग क्या हुआ, कोण, भुजा कोण। और अगर मैं आर एच एस की बात करूंगा तो आर का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब समकोण, एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, मतलब कर्ण, और मेरे पास में एच का मतलब होता है साइड, मतलब भुजा। तो ये मेरे पास में 4 कंडीशंस होती हैं किसकी, त्रिभुज के सर्वांगसमता के नियम की। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन किसी भी ट्रायंगल के अंदर, मतलब 2 ट्रायंगल के अंदर अगर फॉलो होती है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये ट्रायंगल मेरे क्या करते हैं, सर्वांगसमता की जो शर्तें हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो मैं लिख दूंगा कि ये दोनों त्रिभुज हैं वो क्या होंगे, मेरे पास में सर्वांगसम होंगे, ठीक है। और सर्वांगसम का साइन मैंने फिर तुम्हें बता दिया, बार बार बता रहा हूँ, 2 डंडे और एक पे इस तरीके से ये एच टाइप का बना होता है, इसे मैं क्या बोलता हूँ, दिस इज द साइन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस और दिस इज द साइन ऑफ द सर्वांगसमता। ये सर्वांगसमता का मेरे पास में क्या है, नियम है, सिंबल है। अब सबसे पहली जो शर्त आती है वो क्या आती है, साइड साइड साइड। जब साइड 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 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये मैंने त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो। जो दूसरा वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज की
तीनों भुजाओं के अगर समान हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर जैसे मेरे पास में ये ए बी है, मेरे पास में क्या है, ये ए बी है, तो ए बी किसके समान है? ए बी समान है पी क्यू के। मेरे पास में बी सी है, बी सी किसके समान है? पी आर के। और ये मेरे पास में क्या बचा? ए सी बचा। और ए सी किसके समान है? ए सी समान है मेरे क्यू आर के। ठीक है, तो अब ये मेरी ये भी साइड, ये सब साइड्स मेरी कैसी हैं? समान हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन आती है? हेयर विच कंडीशन विल बिकम, कंडीशन आने वाली है साइड 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 शर्त आने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि अगर मेरे पास में दो त्रिभुज दे देगा तुम्हें और वो तुमसे पूछेगा कि ये किस शर्त को दिखाते हैं, ठीक है, ये इसमें कौन सा सर्वांग समता का नियम है जो फॉलो होता है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास में अगर दो ट्रायंगल हैं तो क्या उन दोनों ट्रायंगल की सभी साइड्स सेम हैं? अगर ट्रायंगल की सभी साइड सेम हैं तो मैं क्या करूंगा? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सभी साइड सेम है तो मैं लिख दूंगा कि दोनों त्रिभुज भुजा 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 की शर्त को फॉलो करते हैं और दोनों त्रिभुज मेरे कैसे हैं? सर्वांगसम हैं। ये वाली लाइन आपको यहाँ पे नीचे राइट डाउन करनी है। ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी। अब ये तीन कंडीशन और हैं, इन्हें मैं एक बार में और बताऊंगा, उसके बाद में जो त्रिभुज का सर्वांग समता का नियम है वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट मेरे पास में कौन सी कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट कंडीशन में गिवन है साइड एंगल साइड। बस आप एक चीज समझ लो, आपको ये शर्त आनी चाहिए। शर्त का मीनिंग क्या है कि अगर जैसे मैंने बोला साइड साइड साइड, तो अगर मैं दो त्रिभुज लूंगा और दोनों ट्रायंगल की अगर तीनों साइड, एक ट्रायंगल की और दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स अगर वो आपस में कैसी हैं? बराबर हैं, सेम हैं, ऐसा नहीं है वो आगे पीछे हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मेरा क्या हो जाएगा? त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे। ऐसे पहली वाली ये कंडीशन थी। इसी तरीके से जो सेकेंड वाली कंडीशन है मेरे पास में, उस कंडीशन में क्या बोला है? ये वाली सेकेंड कंडीशन है साइड एंगल साइड। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो दो भुजाएं हैं, जैसे मेरे पास में एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी, दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण तो कितना हुआ? 60 डिग्री। वो जो मेरे पास में दूसरा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में भी क्या है कि जैसे ये मेरे पास में दोनों साइड हैं, इन दोनों साइड के बीच का एंगल कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर यहां मेरे पास में जैसे ये 6 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर था, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस वाले फिगर में देखूंगा पी क्यू आर ट्रायंगल में, तो ये मेरे पास में 6 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास में 4 सेंटीमीटर है, दोनों भुजाओं के बीच का एंगल कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई? साइड एंगल साइड वाली कंडीशन होगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम तो हैं, लेकिन किस शर्त के अनुसार, विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन के अनुसार ये सर्वांग सम है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा कि द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट फॉर द कंडीशन SAS। इस कंडीशन के लिए क्या है? सर्वांग सम है। तो यहां मैं इस वाली चीज को राइट डाउन भी कर सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, क्योंकि दोनों भुजाओं के बीच का कोण कैसा है? मेरे पास में सेम है, और जो दोनों भुजाओं की लेंथ है वो भी कैसी है? सेम है। अगर ये वाली कंडीशन आती है, देखो इससे ही समझ में आ जाएगा, यहाँ साइड है मतलब दो साइड सेम होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल भी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है तो मेरा क्या हो जाएगा? वो सर्वांगसम हो जाएगा। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये आगे पीछे हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, दोनों साइड के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। दोनों साइड के बीच एंगल क्या? 60 डिग्री। तो अब ये दोनों फिगर आ जाएंगे, तुमसे पूछेगा कौन सी शर्त को ये फॉलो करते हैं, तुम देख के बता दो कि दोनों साइड सेम है, साइड साइड एक एंगल सेम है, तो कौन सी कंडीशन होती है? साइड एंगल साइड ये वाली कंडीशन होती है। तभी आप ये वाली कंडीशन मत कर देना कि एंगल साइड साइड, ये वाली कोई भी कंडीशन हमारे इस ट्रायंगल में नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखा एक तो हमारे पास में एंगल सेम है, दो साइड सेम है, तो ऑप्शन में दे देगा ASS, एंगल
साइड साइड इस तरीके की कंडीशन दे देगा, हम क्या कर देंगे टिक लगा देंगे कि सर ये वाली कंडीशन सही है, लेकिन ये क्या है मेरे पास में गलत है। ऐसी कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कंडीशन एग्जिस्ट करती है वो मेरे पास में कौन सी है, साइड एंगल साइड। कैसे मैं लिखूंगा, साइड एंगल साइड, ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये वाली बात समझ में आई, यही मैंने यहां लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच के कोण के समान होना चाहिए और दोनों भुजाएं भी समान होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो इस वाली कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, साइड एंगल साइड शर्त बोलता हूँ, ठीक है, त्रिभुज के सर्वांग सम का नियम बोलता हूँ। एक तो ये वाली कंडीशन थी, सेकंड वाली, थर्ड कंडीशन कौन सी है, एंगल साइड एंगल की शर्त। इसमें क्या है, दो एंगल समान होंगे, एक भुजा समान होगी, ठीक है। अब दो एंगल का मीनिंग क्या है, देखो ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, ठीक है भाई, दो एंगल समान है और एक भुजा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है किसी ट्रायंगल के अंदर कि दो एंगल समान हो और एक भुजा समान हो, तो उस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, एंगल साइड एंगल बोलता हूँ। ऐसा मत कर देना AAS, AAS नहीं करना है, जैसे यहां तुमने ASS कर दिया था, इसको इसी तरीके से ये गलती मत कर देना कि यहां आप इस तरीके से लिख दो AAS, ये कोई भी कंडीशन नहीं होती है। तो हमें एग्जाम्पल, जो एग्जामिनर होगा वो हमें पागल बना सकता है इस वाले ऑप्शन को देख के। तो मैं ध्यान रखना है ASA मतलब दो एंगल समान होंगे और एक साइड समान होगी, और इसमें कोई ये कंडीशन नहीं है कि जैसे ये दोनों एंगल हैं तो ये वाली साइड समान होनी चाहिए, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। लेकिन इस वाली शर्त में ये कंडीशन है कि दो साइड के बीच का एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहां दोनों साइड है ये 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो यहां भी जो दो साइड होंगी उनके बीच का एंगल मेरे पास में 60 डिग्री ही होगा। इस वाली कंडीशन को मैं बोलता हूँ साइड एंगल साइड, इसको मैं बोलता हूँ एंगल साइड एंगल। तो ये वाली बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, और देखो जब पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा सेम यही फिगर आ जाएंगे और तुमसे पूछेगा ये किस शर्त को फॉलो करते हैं, तो आप इसको कैसे करेंगे, या इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू ए बी, जो क्यू आर है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, एंगल क्यू किसके इक्वल है 60 डिग्री, एंगल बी के इक्वल है, एंगल आर किसके इक्वल है, एंगल आर एंगल ए के इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एंगल साइड एंगल, ये वाली कंडीशन मेरे पास में आ जाएगी। तो मैं लिख दूंगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम की शर्तों को फॉलो करते हैं, और जो शर्त है वो कौन सी शर्त होने वाली है, एंगल साइड एंगल की शर्त हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आगे और चलता हूँ, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ, तो उसमें क्या होगा, देखो जो कंडीशन है, एक कंडीशन और बची हुई है उसको भी देख लेते हैं, उसको मैं लिख के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं बताता हूं, ठीक है, कौन सी कंडीशन है वो देखो उसको ध्यान से। जैसे अब मैंने एक कंडीशन बताई, कंडीशन में क्या हुआ, जैसे ये फोर्थ वाली कंडीशन है, ये कंडीशन है आर एच एस मतलब समकोण कर्ण भुजा, ये वाली एक कंडीशन है मेरे पास में। तो ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कहती है कि जैसे मैंने एक ये वाला ट्रायंगल लिया, एक मेरे पास में ये वाला ट्रायंगल है और एक मेरे पास में ये वाला ट्रायंगल है, तो ये भी कितना है 90 डिग्री है, ये मैंने मान लिया ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी, दिस इज द पी क्यू एंड आर, ये भी मेरे पास में क्या है, दिस इज द 90 डिग्री। तो ये कंडीशन क्या बोलती है, ये कंडीशन बोलती है कि जैसे ये दो ट्रायंगल हैं तो राइट एंगल, आर का मीनिंग क्या है, राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण का मीनिंग क्या है कि एक एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री का होगा। तो इस वाली कंडीशन में कि एक तो मेरे पास में जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए दोनों ट्रायंगल के अंदर, और जो इसका कर्ण है वो कर्ण किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले क्योंकि मेरा क्या होगा कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण होती है। तो इन्होंने बोला है कि ये कर्ण किसके बराबर होना चाहिए, इस कर्ण के बराबर होना चाहिए, और इन दोनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा इस वाले भुजा के समान होनी चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन आती है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड बोलता हूँ। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है कि एक एंगल, ये एंगल बी कितना हुआ, देखो इसे ध्यान से, एंगल बी मेरे पास में कितना है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के,
ये भी 90, तो ये 90 डिग्री हो गई। इस वाली कंडीशन में बोला है कि मेरे पास में दोनों ट्रायंगल के जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री हो गया। और उन्होंने क्या बोला है कि जो उसका कर्ण है, कर्ण कौन सा है, यहाँ एसी, यहाँ कर्ण कौन सा है मेरे पास में पीआर, दोनों जो हाइपोटेन्यूज है वो भी क्या है, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा, या ये वाली ले लो या ये भुजा, अगर ये तुम्हारे पास में 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास में 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, वो तो मैंने इस कर्ण को लिया है, ये 4 सेंटीमीटर ये वाला होगा तुम्हारा, बीसी इक्वल टू क्यू आर, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू क्यू आर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाली कंडीशन में बोलता हूँ। तो ये मेरे पास में क्या थी, सर्वांग समता के नियम थे त्रिभुज के। अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन लिखा तो इतना बड़ा होगा और उसका सॉल्यूशन कितना सा होगा, इतना सा होगा। उस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि डीएलएड के अंदर, बीटीसी के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो सर्वांग समता से, जो कॉन्ग्रुएंट से, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अब देखो भाई, ये मेरे पास में क्या है कि जो मैंने अभी जितनी चीज मैंने बताई है, जो सर्वांग समता के नियम थे, उन नियम के ऊपर मैंने क्या किया है, दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन मेरे डीएलएड में पूछे गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक 2020 में पूछा गया है डीएलएड के अंदर। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक ये वाला क्वेश्चन भी है, दोनों पूछे गए हैं। अभी मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ कि इसको, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ये अलग है। और ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, यदि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में एबी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, एसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पीक्यू इक्वल टू 7.1, क्यूआर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पीआर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो, तो दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता का परीक्षण करो कि ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम है या नहीं है। ये वाला क्वेश्चन में आपसे चीज पूछी गई है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो कैसे करूंगा, बड़ा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, ट्रायंगल एबीसी ये मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने इसको माना ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। एक ट्रायंगल और इन्होंने बोला है पी क्यू आर, मैंने एक ट्रायंगल पी क्यू आर को ड्रॉ किया, दिस इज द पी, दिस इज द क्यू एंड दिस इज द आर। उन्होंने मुझे कुछ कंडीशन दी है, ए बी इक्वल टू क्या दिया, 3.5 सेंटीमीटर, ये मुझे 3.5 सेंटीमीटर दिया है, बीसी इक्वल टू मुझे 7.1 सेंटीमीटर दिया है, एसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। मैंने यहाँ पे चीजें राइट डाउन कर दी, इसमें क्या दिया है, पी क्यू में ये मेरे पास में 7.1 सेंटीमीटर है, क्यू आर मेरे पास में 5 सेंटीमीटर है और ये पी आर मेरे पास में 3.5 सेंटीमीटर है। मैंने दोनों ट्रायंगल को बनाया, ट्रायंगल को बनाने के बाद में मुझसे क्वेश्चन में बोला है दोनों त्रिभुज के सर्वांग समता के परीक्षण की जांच करो, ये मुझसे बोला गया है क्वेश्चन में। तो मैं कैसे करूंगा, देखो मुझे क्या दिख रहा है कि मैंने क्या बताया था कि अगर दो त्रिभुज होंगे तो मैं उनमें चेक करूंगा क्या इनकी साइड समान है, क्या इनकी भुजाएं समान है, या इनके एंगल समान है, ठीक है, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अभी मैंने बताई थी उनमें से इन दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या चीज समान दिख रही है। तो मुझे ये पता है यहाँ एंगल तो ना इसमें दिए ना इसमें दिए, तो एंगल की बात तो मैं नहीं करने वाला, ठीक है। बात में क्या करता हूँ, साइड को देखता हूँ, साइड क्या बोल रही है कि अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूंगा तो जो ए बी है, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है पी आर के। मैंने यहां लिख दिया कि ए बी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, ठीक है। मैंने लिखा बी सी, बी सी किसके बराबर है, यहाँ बी सी 7.1 सेंटीमीटर है, यहाँ पी क्यू 7.1 सेंटीमीटर है, तो बी सी किसके बराबर हुआ, पी क्यू के बराबर हुआ, ठीक है। और मेरे पास में कौन बचा, ए सी बचा, ए सी किसके बराबर है, QR के बराबर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो जब ये तीनों साइड समान होती हैं, एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल के समान होती हैं, तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, साइड 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 शर्त बोलता हूँ, भुजा 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 शर्त में बोलता हूँ। देयर विल बी द सेम कंडीशन इज फॉलोइंग हियर, यहाँ वही सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, इस तरीके से त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान है, त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। तो अगर ये समान हैं तो यहां साइड 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 शर्त क्या हो रही है,
फॉलो हो रही है, ठीक है ना। जब साइड 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 सर फॉलो होगी तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? बस यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये क्वेश्चन है ये सर्वांग समता की शर्त को फॉलो करता है या नहीं करता। तो बताओ कितना छोटा क्वेश्चन है लिखा हुआ, दो लाइन में आंसर एक लाइन में आ गया, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन और है, इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को मैं यहाँ राइट डाउन करता हूँ और फिर इसको भी करके बताता हूँ कि कैसे करेंगे। अब देखिए भाई, ये एक क्वेश्चन और आपके पास मैंने लिखा हुआ है, ये कोई हल्का फुल्का टॉपिक नहीं है, आप इसको बड़ा ध्यान से समझो। अब ये फिगर मेरे पास में गिवन है, इसी फिगर के पास में तीन ऑप्शंस हैं, ट्राइंगल ए बी सी इस समरूप है, इस सर्वांग सम है ए बी डी के, ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्राइंगल बी डी ए के, और ट्राइंगल ए बी सी इस सर्वांग सम है ट्राइंगल बी ए डी के। पहला वाला ऑप्शन तो हमारा सेम है और जो बाद वाले ऑप्शन है उनमें कहीं ना कहीं चेंजिंग देखने को लग रही है। तो मैं देखो देखता हूं, अब ये वाला क्वेश्चन मेरे पास में, ये वाला फिगर है, इस फिगर में क्या बोला है देखो ध्यान से, ए सी बराबर है बी डी के। इन्होंने बोला है कि अगर मेरे पास में ये ए सी है, जो ये वाला ए और सी है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है बी डी के। तो जब तुम्हें पता है कि ए सी मेरा बी डी के बराबर हुआ, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी हो गई? इक्वल हो गई। दूसरा क्या बोला है कि बी सी बराबर है ए डी के, तो जो ये बी सी है वो किसके बराबर है? ए डी के। तो तुम्हारा एक चीज समझ में आई होगी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या हो गई? इक्वल हो गई। और एक ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को मैं बोलता हूं एकांतर कोण। एकांतर बने वृत्त खंड में सभी कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये क्लास 10th के अंदर एक फिल्म में होती है। तो जब ये वाले दोनों एंगल भी सेम हो गए, ठीक है, और ये दोनों साइड भी सेम हो गई, ये वाली साइड और ये दोनों साइड सेम हो गई, तो जब इतनी चीज आपके समझ में आ गई तो आप क्या लिख दोगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, ये बात तुम्हारी समझ में आती है ना कि ट्राइंगल मेरा जो ए बी सी है वो किसके सर्वांग सम होगा? अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए बी डी। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये ट्राइंगल ए बी डी के सर्वांग सम होगा? क्यों होगा? देखो भाई, एंगल ये सी है, सी एंगल किसके बराबर है? डी के। तो ये सी किसके सर्वांग सम हुआ? डी के बराबर हुआ। और जब जो बी वाली मेरा, जैसे ये वाली एक साइड है, ये बी वाला पॉइंट ये, तो जो बी सी है वो किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। तो यही मुझे यहां से कंडीशन दिख रही है कि एक तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ए बी सी बना, एक ट्रायंगल बना ए बी डी, तो ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास में कैसे हैं? सर्वांग सम हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर एक बार बता रहा हूं कि इस ट्रायंगल की दो तो साइड सेम है, ठीक है, और एक एंगल सेम है। तो एंगल जब कभी भी सेम होता है तो एंगल सी एंगल डी के बराबर है। तो ये यहां तुम्हें दिखेगा कि एंगल सी किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर है। ये सर्वांग सम में आपको दिखेगा, ये वाली कंडीशन हुई, ठीक है। अब जो मेरे पास में साइड थी, जैसे एक ए बी वाली साइड थी, ये जो ये वाली साइड थी ए बी वाली, ये क्या है कि ये दोनों साइड मेरे पास में कैसी हैं? सेम है। तो सेम है तो सर्वांग समता का रूल तो फॉलो हो ही रहा है। तो मेरे पास में जो पहला वाला ऑप्शन है वही मेरे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुमने कहा कि सर मैं इसको कर दूं ए बी सी, क्या सी एंगल ए के इक्वल है? नहीं है ना, सी कहाँ रहा और एंगल ए कहाँ रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तुमने कहा कि सर इसको कर दो, तो इसको तो कर देंगे, लेकिन यहाँ आ रहा है ए बी सी और यहाँ आ रहा है बी ए डी। तो ये दोनों कंडीशन जब हम लिखते हैं, तो लाइन जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो ये दोनों शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ ए बी सी और ए बी डी, ये तो पूरा ट्राइंगल ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं बी ए डी की बात करूंगा और यहाँ मेरे पास में ए बी सी है, ए बी सी और बी ए डी, तो दोनों ट्राइंगल में क्या है, थोड़ा सा मुझे चेंजिंग नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कंडीशन लिखता हूँ, ठीक। तो ये मेरे पास में क्या है, आंसर हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी एक सर्वांग सम है ट्राइंगल ए बी डी के। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को दोबारा से लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस ऑप्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये डी आ जाएगा पहले और ये डी ए बी आ जाएगा, ठीक है, डी यहाँ ले सकता हूँ और ए बी मेरे पीछे आ जाएगा, वो भी इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं रखता हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये वाली कंडीशन थी, तो जैसे मैंने अगर सी को आगे लिया तो ये हो जाता सी ए बी, इसको मैं आगे ले लेता तो क्या होता डी ए बी, तो वो भी यहाँ मुझे कहीं भी कंडीशन नजर नहीं आ रही है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, तो यही मेरे पास में क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है।